चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये आइस क्यूब हमारी सॉलिड है, लिक्विड हमारा लिक्विड है, और ये जो वाटर वेपर है ये गैस है, ठीक है। तो ये जो आइस क्यूब होती है, जब आप इसे फ्रीजर से बाहर निकालते हैं, ठीक है, आप इसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये पानी लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। और फिर जब आप फिर से गर्म करेंगे तो इसका धुआं बनेगा, गैस भी हम उसे कह सकते हैं, वाटर वेपर भी कह सकते हैं, स्टीम भी कह सकते हैं, ठीक है, थ्री वे बोलने के। और फिर इसके बाद जैसे ही हम इसे किसी ठंडी चीज के उसमें कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस से लिक्विड बन जाएगा। जब लिक्विड को हम फिर से फ्रीजर में रखेंगे तो आइस बन जाएगा। तो ये था आज हमारा चेंजेस इन फॉर्म ऑफ वाटर, सॉलिड लिक्विड गैस। थैंक यू वॉचिंग, बने रहिएगा, बाय बाय, सी यू, बाय।